नमस्कार, रफ्तार मीडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल कुमार और इस बुलेटिन में हफ्ते के तमाम अपडेट्स पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। संघर्ष समिति ने 72 घंटे के कार्य बहिष्कार आंदोलन का ऐलान किया था, जिसे एक दिन पहले ही वापस ले लिया गया है। हड़ताल वापसी के ऐलान के साथ ही ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में जहां कहीं भी बिजली सप्लाई ठप हो उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर न हो वो तुरंत जाकर अपनी ड्यूटी संभाले। शनिवार की रात सरकार और कर्मचारी नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन रविवार को जब जल निगम के गेस्ट हाउस में कर्मचारी नेता एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और चेयरमैन एम देवराज के साथ बैठे तो काफी सकारात्मक ढंग से बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद बिजली कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार पहले भी बातचीत के लिए तैयार थी। आज की बातचीत में कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया वो काफी पॉजिटिव रहा। सभी कर्मचारियों से अपील है कि तत्काल काम पर लौट जाए। संयुक्त संघर्ष समिति की और माननीय ऊर्जा मंत्री, उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। और हमने उनसे कहा है, मैं इसका उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं, प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगे थी, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने